अभी तूफान लाल यादव जी अस्पताल में भर्ते, उनका एक लाइव वीडियो वायरल हुआ था कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? आप कितनी मदद की, क्या कुछ हेल्प किया आपने? तूफानी भाई को मैं हेल्प किया नहीं किया इस विषय पे तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि तूफानी जब गायक नहीं थे तब हमारे पास, हम गांव में जब जाते थे जब बम्बई से तब तूफानी आते थे, पर मेरा बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है तूफानी से। पिछले करीब शुरुआती दौर में जब वो सिंगर नहीं था, वो गायक नहीं था, वो गायकों को मदद करता था, तब से मैं विकी को जानता हूँ और मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो मेरी शुभकामना है विकी को और भगवान करे कि बहुत जल्द वो बेचारा सही हो जाए, खुश हो जाए, क्योंकि उसने बहुत से कलाकारों को उसने मदद किया है। एक ऐसा दौर था, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो उसके पास दरबारी करते थे। तो मेरा सहयोग तो हमेशा रहा है उसके साथ, आशीर्वाद भी रहा है, लेकिन मैं औरों की तरफ फेसबुक पर डालकर या लोगों को बताकर वो सहयोग मैं आज तक जीवन में नहीं किया हूँ। मेरा सहयोग दुनिया जानती होगी और जो लोग करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन मेरा सहयोग सिर्फ वहाँ तक पता होगा जिसके लिए मैं करता हूँ। अच्छा, अभी दिल्ली में चुनाव है, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार वर्तमान सांसद है, क्या लगता है आपको दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या केजरीवाल को हरा पाएंगे? देखिए, वहाँ पर लड़ाई की बार तो बहुत टफ है, लेकिन जहाँ पे हम लोग के भोजपुरिया शेर है मनोज तिवारी जी, हम लोग के लिए आदर्श और हम लोग के मित्रों में से भी रहे हैं और है भी, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे मनोज तिवारी की पूरी टीम बीजेपी की टीम वहाँ पर जीते, लेकिन कहा नहीं जा सकता है क्योंकि लड़ाई आर पार की है, क्योंकि केजरीवाल ने भी वहाँ पे काम किया हुआ है। केजरीवाल जी बहुत काम किया है दिल्ली में और बीजेपी को एक टक्कर है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद तो किया जाएगा कि बीजेपी अगर आए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बीजेपी को आना चाहिए देश के भविष्य हित में, हित में अगर देखा जाए तो बीजेपी से बेस्ट कुछ नहीं। ये आपको लगता है कि मनोज तिवारी जी दिल्ली के सीएम के दावेदार है, वो सीएम बन सकते हैं इस बार बीजेपी की तरफ से? देखिए, मनोज तिवारी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने जहाँ भी हाथ डाला है वो गोल्ड हुआ है, वो हीरा हुआ है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि वही इंडस्ट्री में जब आए थे एज ए सिंगर हीरो बने तो भी चमकते हुए सितारों की तरह चमके, उसके बाद राजनीति में गए तो भी जीत हासिल किए, जीतने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने दिल्ली के, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। शुभकामना हम लोग को, हम चाहेंगे कि हमारे भोजपुरी के धरोहर हम लोग के भाई बड़े मनोज तिवारी जी जीते और जो चाहते हैं पार्टी उनको जो देगी उनको मिले। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।